Hello everyone, welcome to Homework Corner. I hope you all are safe and healthy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स की वर्कशीट क्लास वन से. ये वर्कशीट नंबर वन है हमारी. मैंने क्लास सेकेंड और थर्ड और फोर्थ से रिलेटेड भी कुछ वर्कशीट अपलोड कर रखी है. इन वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 8, 33, 47, 14 और 26. तो इन नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8. उसके बाद है हमारा 14, 26, 33 और 74. ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा. नेक्स्ट है हमारा 9, 67, 38, 87 और 65. तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? 9. उसके बाद है हमारा 38, 65, 67 और 87. नेक्स्ट है हमारा, सबसे छोटा कौन सा है हमारा नंबर? 18. उसके बाद हमारा 26, 34, 47 और 65. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड, अरेंज द नंबर इन डिस्केंडिंग ऑर्डर. डिस्केंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर दिया हुआ है 6, 40, 13, 23 और 16. तो सबसे बड़ा पहले कौन सा है? सबसे बड़ा है हमारा 40. उसके बाद इससे छोटा, इससे छोटा कौन सा है हमारा? 23. फिर है हमारा 16, 13 और लास्ट में सबसे छोटा है हमारा 6. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सबसे बड़ा कौन सा है इस पूरे ग्रुप में? हमारा है 35. उसके बाद है हमारा 31, 30, 28 और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर है हमारा 26. इस ग्रुप में सबसे बड़ा है हमारा 9, उसके बाद 8, 7, 6 और सबसे छोटा है 5. तो ये थे हमारे डिस्केंडिंग नंबर, घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. आइए अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, एड द फॉलोइंग. यहां पर मैंने कुछ एडिशंस के सम दिए हुए हैं जिनको हमें एड करना है. यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूं, बाकी आपके लिए छोड़ देती हूं. यहां पर है 4 और 2. 2 और 4 कितने हो गए हमारे? 6. ऐसे ही 4 और 3 हो गए हमारे 7. ये जो सम है वो विदाउट कैरी वाले हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द मिसिंग नंबर. यहां पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और यहां पर आपको लिखना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है. जब हम काउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग लिखते हैं, उसको रीड करते हैं, जैसे 7, 9, तो कौन सा नंबर नहीं आया हमारा यहाँ पे? सो यहाँ पे 8 जो है मिसिंग है. उसके बाद 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 जो कि मिसिंग है. 13 के बाद आता है हमारा 14, 15, 16, 17 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 18, उसके बाद है 20. तो कौन सा मिसिंग है हमारा नंबर? 19. और उसके बाद आएगा हमारा 21. यहां पे हमारा 21 के बाद 22, 23, 25, 26, 27 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट हमारा आएगा 28. आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर. ये जो 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन
इस पूरे नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 47692। तो जो 2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो उसको हम करेंगे सर्कल। यहां पर सबसे छोटा है 1 और इन सब में सबसे छोटा है 2। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर दैट कम्स, वो नंबर लिखिए जो आते हैं आफ्टर इन नंबर के बाद, बिटवीन इन दोनों नंबर के बीच में, और बिफोर इन नंबर से पहले। तो 14 के बाद क्या आता है हमारा? 15। 10 के बाद क्या आता है हमारा? 11। 21 के बाद आता है 22 और 17 के बाद आता है 18। ऐसे ही बिटवीन वाले हमें लिखने हैं, 15 और 17 के बीच में आता है 16, यहां पर 21, 15 और ये हमारा 19। 12 से बिफोर यानी कि 12 से पहले क्या आता है हमारा काउंटिंग में? 11, 9 से पहले 8, 6 से पहले 5 और 20 से पहले 19। सो आज की वर्कशीट में 6 क्वेश्चन थे, सिर्फ यहां तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वर्कशीट और लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।